जिसमें मैंने और सानिका ने गाया है। ये छोटी सी है लेकिन गाती बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया गाती है। और हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर संजय राज जी, सब लोग जानते हैं इनको, इन्होंने इतना काम किया है, हज़ारों एल्बम रिकॉर्ड किए इन्होंने, थोड़े बहुत नहीं हज़ारों, अगर इनका सब नंबर्स जो हैं गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भेज दें तो इनका नाम सबसे पहले आएगा, लेकिन ये भेजते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं भेजते, शायद इनकम टैक्स वालों से डरते तो बहुत खुशी की बात है कि भगवान ने सानिका को इतना अच्छा टैलेंट दिया है और अंदर भक्ति दी है। जब भक्ति होती है तब भजन गाया जा सकता है, नहीं तो भजन तो सब लोग गा लेते ना, सब क्यों नहीं गा पाते, क्योंकि अंदर भगवान अपनी भक्ति अंदर डालता है, कण डालता है, तो वो कण जो है वो सानिका के भीतर डाला गया है और वही उभर के सामने आ रहा है और ये इतना सुंदर गा रही है। भगवान से प्रार्थना है कि ये एल्बम खूब चले, घर घर में बजे और मेरा, सानिका का और संजय राज जी का खूब नाम हो इससे। हम लोग इसी बहुत अच्छा रहा और मेरे एग्ज़ाम्स चालू थे फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया और फिर एग्ज़ाम्स के बाद शूट भी किया और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं सबसे पहले सुहास जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे सामने लाया। और ख़ास बात यह है कि मेरे दोनों गुरु, जिनके बिना मेरा कुछ चलता नहीं है, सुरेश वाडकर जी, अनुप जी आपके सामने हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक बहुत खूबसूरत, ऐसा मुझे लगता नहीं कि आया होगा, तो उसमें से सुरीली सानिका, तो ये जो कॉन्सेप्ट बना है उसका एक अलग मज़ा है। और मुझे लगता है ये धमाल करेगा। एक गणेश जी का भी इसमें है, सुरेश जी ने गाया है मैंने बताया, और सानिका साथ में है, और मेरा क्रिएट किया हुआ मंत्र भी है इसमें, मतलब जो ओम गंग गणपते नमो नमः और कृष्ण भगवान का भी है, और यहाँ पे इसमें पंडित किरण मिश्रा जी, उनके भी दो गीत हैं, बस ऐसा ही कुछ है। और खास और एक बात है कि टाइम्स म्यूज़िक इसको रिलीज़ कर रहा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा मौका हमको दिया है, धन्यवाद। और मैं दोनों गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लिए आए, सानिका के लिए आए, बस यही आशीर्वाद सदा रखें, यही प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले मैं मेरे गुरु माँ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिनके पास मैं वृंदावन गुरुकुल में संगीत सीख रही हूँ, और आज मेरा सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ये एल्बम लॉन्च हो रहा है, तो ये एल्बम आप ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा और ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिएगा, धन्यवाद। मैं किरण मिश्र गीतकार हूँ, ये जो इस समय श्री गणेश जय गोपाला एल्बम रिलीज हुआ है टाइम्स से, जिसे पद्मश्री अनूप जलोटा जी ने गाया है, सुरेश वाडकर साहब ने गाया है, और सानिका जो सुरीली, बहुत ही सुरीली है, सच में नाम के हिसाब से यथा नम तथा गुणम है उसमें, उसने स्वर दिया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा एल्बम मुझे मिला लिखने को। श्री गणेश जी की वंदना और कृष्ण की वंदना, ये दो चीज़ें उसमें शामिल हैं, अलग अलग हैं। जो कृष्ण वंदना है उसको अनूप जी ने गाया है, और जो गणेश वंदना है उसको सुरेश वाडकर साहब ने गाया है। ये जब एल्बम लिखने का को आया तो हमारे पास संजय राज जो इस एल्बम के संगीतकार हैं, बड़े गुणी आदमी हैं और बहुत अच्छे ट्यून, बहुत अच्छे उसकी धुन बनाते हैं, इन्होंने आके जब कहा कि एक बच्ची के लिए गाना लिखना है, तो मैंने सोचा था पहले कोई चिल्ड्रन सॉन्ग वगैरह होगा हमारे पास आया है, तो लेकिन वो चिल्ड्रन सॉन्ग नहीं था, वो तो देवाधिदेव गणपति पर और जगत नियंता कृष्ण पर था। तो जब ऐसा कुछ काम करने को आता है तो हम लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि एक एल्बम में एक भी शब्द की अशुद्धि होती है तो पूरी भक्ति रचना जो है वो समाप्त हो जाती है। तो आज वो सौभाग्यशाली है कि उसको ऐसा मौका मिला कि बड़े बड़े गायकों को साथ, जिनके साथ में बड़े बड़े सिंगर जो है हिम्मत नहीं करते
कि सुरेश वाडकर जी के साथ में साथ उनके साथ में सुर मिला करके गा सकें, लेकिन उसको सानिया ने निभाया है, ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। भविष्य उसका बड़ा उज्ज्वल है और हम लोगों की शुभकामना कि और उसका भविष्य उज्ज्वल हो। तो इन्हीं सब के साथ में हम आपको चाहते हैं कि हम लोगों को तो पब्लिश्ड है लेकिन बच्ची के लिए बहुत शुभकामना करता हूँ, उस पर आप लोग ज़रा कंसंट्रेट करें जिससे वो प्रोत्साहित होगी और आगे बहुत अच्छे से अच्छा गायन उसको करने का अवसर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं धन्यवाद।